इफ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 एंड 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर इस तरीके के इक्वेशन मिले जिसके अंदर डिजिट्स इंटरचेंज हो, जैसे 49, 51, 51, 49, तो ऐसे इक्वेशंस में हमें एक बार इनको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है. उससे काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी के नीचे मैं इस वाली इक्वेशन को लिख देता हूँ, 51x प्लस 49y इक्वल टू 501. तो एक बार तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तो ये अपने पास आ गया 100x दोनों को प्लस करने पर. इन दोनों को प्लस किया तो अपने पास आ गया 100y, और इन दोनों को प्लस कर लिया तो आ गया 1000. तो इन दोनों के अंदर 100 कॉमन है तो 100 को कॉमन कर लिया, इधर बच गया अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 1000. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा. यहाँ से अपने पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, ये जो कि थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, अपनी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, ये वाली सेकेंड रहेगी. तो यहाँ से ये थर्ड इक्वेशन और आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10. इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस भी कर लेते हैं. एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है. तो ये पहली इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499. एक बार इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस कीजिएगा ये माइनस आ गया. तो 51x माइनस 49x तो अपने पास आ गया 2x. ऐसे ही बात करें प्लस का 49y और माइनस का 51y, तो माइनस का अपने पास आ जाएगा 2y, और यहाँ पे 501 में से माइनस करेंगे 499 तो अपने पास बचेगा 2. तो इन सभी के अंदर भी 2 कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2. ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1. 2 1 जा 2 का कैंसिल हो जाएगा अपने पास. तो ये अपनी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी. अब हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 1. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा. तो इसी के नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 1 जो फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लस कर लेते हैं. तो x और x अपने पास आ गया 2x, प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर हो जाएगा अपने पास 10 और 1 11. तो x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 11/2. तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई. तो फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, इधर अपने पास x की वैल्यू 11/2 माइनस वाई इक्वल टू 1. तो 11/2 को अपनी जगह पे रख लो, माइनस का वाई है तो उधर ले जाओ, और ये 1 प्लस का है इसको इधर ले आओ तो माइनस का 1, और वाई को उधर ले गए तो प्लस का 1. एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से 2 को डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 1 आएगा. 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ये 11 माइनस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा. 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 आएगा. 2 1 2 इक्वल टू वाई. तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से माइनस करेंगे 2 को तो आ जाएगा 9. तो 9/2 ये अपने पास आ गई y की वैल्यू. तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे. तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.